गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। 12th ऑफ दिसंबर के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन है उस पर डिस्कशन करेंगे, और जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ये आने वाला जो कोई भी एग्ज़ाम है, लाइक अभी जैसे रेलवे में हो गया, बैंकिंग में हो गया, इन सभी में ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और जो कलेक्शन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं क्रिएट कर रहा हूं, और ये एग्ज़ाम में देखेगा माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले लें, रेलवे के लिए, बैंकिंग, एसएससी में, यूपीएससी में, ग्रुप डी के लिए, सभी में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इस सेशन में और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन। केएस एजुकेशनल आपको आप फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, इवन इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अभ्यास संगम का 7वां संस्करण जो कि भारतीय नौसेना मार्कोश और अमेरिकी नौसेना सी सेल्स के बीच संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया था, ये गोवा में आयोजित किया गया था। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये सुष्मिता शुक्ला को नियुक्त किया गया है। पेरू बैडमिंटन जो पैरा बैडमिंटन हुआ पेरू में, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता गया है सुकांत कदम के द्वारा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला दिसंबर 2022 में कितने जिलों में आयोजित किया जाएगा, ये कुल 197 जिले में आयोजित किया जाएगा। किस देश ने अपने नवीनतम हाईटेक रणनीतिक बॉम्बर B-21 रेडर जो परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है और बिना चालक दल के उड़ाया जा सकता है का अनावरण किया, और यह किस देश ने किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है, ये मनीष शाह को किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2022 के लिए किस वर्ड ऑफ द ईयर को चुना है, और ये वर्ड क्या है, ग्लोबलिन मोड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, केवी शिवाजी। हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया है, यह है मेघना अहलावत। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट के संगठन द्वारा जारी किया गया है, और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। किस राज्य ने भारत का पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया, ये क्वेश्चन जो है ना माय डियर फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है, ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया है। जो कुछ अब तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेज देखा है वो ये कलेक्शन है, एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डे से रिलेटेड पूछा ही जाता है, इसीलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है, और हर मंथ में हम लोग जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेज का बनता है वो देखते हैं। तो ये कुछ कलेक्शन जो कि 12th के लिए मैंने रखा था, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। रेस्ट हम लोग 13th के भी कलेक्शंस को बिल्कुल बहुत जल्द देखने वाले हैं।